आज हम एक ऐसे वक्त में एक जगह जमा हुए हैं जबकि इसी साल 2 अप्रैल को पूरा भारत हिला दिया गया। समाज का एक हिस्सा जिसको आज से 60-70 वर्ष पहले इंसानों की गिनती में नहीं लिया जाता था, उस देश का माहौल ऐसा हो गया, उस समाज के अधिकार में जरा सी कटौती हुई, पूरा देश हिला दिया गया। ये किसकी देन है? ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जिनकी आज जयंती मनाने का। हम तो कहते हैं, बल्कि आप भी समझिए इस बात को, कि भारत एक नेशन है, वन नेशन, और इस भारत का एक संविधान, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन लीडर। वो लीडर कौन है अभी बताइए? वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वन लीडर, लीडर कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर। बताइए किसी को बोलना चाहिए ना? वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन लीडर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस चीज को हम लोग को बताना पड़ेगा लोगों को। वो लीडरशिप पर कभी समाज के नहीं थे, आदिवासी समाज के नहीं थे, वो एक नेशन के लीडर। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक ऐसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें कई क्षेत्र हैं, कई जात के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, कई भाषा बोलने वाले लोग हैं, कई कल्चर के लोग हैं। वैसे देश का उन्होंने संविधान बनाया, इतना बड़ा लीडर कौन हो सकता है? डॉक्टर अम्बेडकर को छोड़ दो, बाबा साहब कौन हो सकता है लीडर? इसलिए वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन लीडर, ये चीज आपको रखनी होगी दुनिया। आज हम लोग जिस चीज के लिए जमा हुए हैं, आज हम लोग जिस चीज के लिए जमा हुए हैं, वो मूलवासी की हितों की रक्षा के बारे में चर्चा करने के लिए जमा हुए, और ये इसलिए जमा हुए कि आज के देश का माहौल ऐसा बदल गया है कि ऐसा लगता है कि जिस व्यवस्था को इस देश से खत्म करने के लिए बाबा साहब ने एक संविधान बनाया था, उस संविधान को ही उलटने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आज माहौल ऐसा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पर हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। कुछ साल पहले जब दलितों के प्रमोशन सर्विसेज में प्रमोशन पर रुकावट आई गई, उस वक्त हम लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट में पिछड़े वर्ग के लोग ही खराब थे कि नहीं सर, प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। तो पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग या अल्पसंख्यक समाज एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगा तो आपकी तो हालत खराब करती ही जाएगी इस देश में। उस वक्त तो खामोश है गए पार्लियामेंट वाले, देखा कि समाजवादी के लोग दलितों के सर्विसेज में प्रमोशन के खिलाफ चले गए। वो तो वोटिंग हुई जिसमें जीत गए, वरना खिलाफ चले गए थे। उसके बाद एक स्टेट के कोर्ट ने यह फैसला किया, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट देने वाले, कास्ट सर्टिफिकेट देने वाले ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, इनको जो नौकरियां मिलेंगी वो 50% के अंदर ही मिलेगी, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। इसका मतलब ये होगा कि जिसकी आबादी 85% है उसको 50% में ही ये रहेगा, जिसकी आबादी 15% है 50% का मता देते। हम लोग उस पर खामोश रहे। ये दो फैसला हमारे खिलाफ, एक तो प्रमोशन के रिजर्वेशन पर कटौती और दूसरा रिजर्वेशन के दायरे को 50 तक लिमिट कर, ये दोनों हमारे खिलाफ है, लेकिन हम खड़े नहीं। तब तीसरा फैसला आया कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, बेसिस एक्ट है, उसमें कटौती की गई। तब आप होश में आए, आपकी नींद खुली और आप खड़े हुए, पूरा मुल्क दहल गया। तो आप अपने इशू पर
भीमबाड़ी व्यवस्था कायम करना चाहते थे, जिसमें पिछड़ों दलितों और संख्यकों जो कमजोर वर्ग है उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए, इस देश से छूट को खत्म हो जाए, इस देश में जो समानवादी मेंटेलिटी के लोग हैं उनके सहन में गिरावट आ गए वो भी समता को पूर्ण करें, इसके लिए उन्होंने भीमबाड़ी व्यवस्था बनाया था। वरना इस देश में तो पता नहीं किस जमाने से है परमवादी व्यवस्था चली जा रही है। आज हम लोगों की कमजोरी के वजह से वही परमवादी व्यवस्था इस भीमवादी व्यवस्था को प्रास्त करने की तरफ चला गया, जिसके नतीजे आप समझ रहे हैं। हम ऐसे वक्त में आप ऐसे लोगों का और बहुत सारी तंजीमें देश में खड़ी हो रही है जगह जगह, उन सब तंजीमों को जमा होना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को एक करना पड़ेगा, तब जाकर आप सर्वाइव कर पाएगा। तो पता चला है कि जिस संविधान को जिस भीमवादी व्यवस्था को बाबा साहब कायम करना चाहते थे वो आपका कायम नहीं रह सकता, फिर से लौट कर वही चला आया जिसके खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी है, चाहे महात्मा फुले हो, चाहे बाबा साहब लड़े हों, चाहे महात्मा फुले लड़े हों, या फिर नायकर साहब लड़े हों, इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है, या हमारे बिहार में ठाकुर ने लड़ाई लड़ी, लालू यादव ने लड़ाई लड़ी, या नीतीश कुमार ने लड़ाई लड़ी, फिर लड़ाइयाँ लड़ती हैं, मायावती बहन मायावती ने लड़ाई लड़ी, ये सब महादेव मानवर काशीराम जी ने लड़ाई लड़ी थी, वो सब धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। इसलिए आपको विचार करना पड़ेगा कि कौन से मुद्दे को हम उठाएं ताकि फिर से भीमवादी व्यवस्था कायम हो जाए और बलवादी व्यवस्था डाउन जाए, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अब सोचने के लिए जरूरी है कि किस मुद्दे को हम उठाएं ताकि ताकि आप अपनी जो विचारधारा है उसको देश के सामने ला सकें। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो सामंतवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो इस देश में कर रहे हैं कौन से इशू उठाते हैं जिसके चलते भीमवादी व्यवस्था मार खाती चली जा रही है, ये समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बहुत स्टडी किया है, ऐसे मार्केट कमेटी हमने स्टडी किया है, हम लोगों ने पाया जो समानवादी व्यवस्था वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क में समानवादी व्यवस्था कायम रहे, उनके पास तीन इशू हैं उनके पास, और तीनों बीस है, बी ए बी होता है, तीनों बीस है। पहला बी तो बाबरी मस्जिद है, जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई हमेशा उठाते रहते हैं। दूसरा बी जो है वो ब्याह है, शादी ब्याह तलाक निकाह इस पर इशू उठाते रहते हैं। और तीसरा बी जो है वो बॉर्डर, जब इनको वोट में दिक्कत आता है तो या तो ये बाबरी मस्जिद उठा देंगे, या शादी ब्याह को उठा देंगे, या फिर बॉर्डर पे चले जाएंगे, हिंदुस्तान का हिस्सा करने लगेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई इशू नहीं है, और ये इतने सेंसिटिव इशू है जिस बुनियाद पर मजहब की बुनियाद पर लोग पट जाते हैं, भूल जाते हैं कि पिछड़े कौन है, दलित कौन है, और मानवीगंज सब भूल भाल के मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ होते जाते हैं, समाज में बंटवारा होने लगता है। तो इन थ्री बी का मुद्दा है, हमेशा देखिएगा इन्हीं मुद्दे को उठा उठाकर थ्री बी को उठा उठाकर वो अपनी राजनीति करते रहते हैं, देश को समाजवादी व्यवस्था की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो हम आपसे कहेंगे, हम आपसे कहेंगे कि आप इन मुद्दों को चुनिए, आप इन मुद्दों को चुनिए। तो हम लोगों ने विचारधारा दिखाया कि हम लोगों को थ्री एम की चढ़ाई करनी चाहिए। पहला एम महंगाई, आप देखिए महंगाई के सफर कौन होते हैं। दूसरा रखिए माफियागिरी के खिलाफ लड़िए, दूसरा है माफियागिरी के खिलाफ लड़िए, तीसरी लड़ाई आप महरूमियत के खिलाफ लड़िए, वंचित समाज के खिलाफ लड़िए, के लिए लड़िए ताकि ये थ्री एम की जब आप लड़ाई लड़ेंगे अभी व्यवस्था में चेंज ला सकते हैं। और हम ये कहेंगे कि ये जो अभी आपके साथ एक्शन हुआ एट्रोसिटी एक्ट में जो ढील दिया गया, जो कमी की गई, अगर इस पर नहीं हम खड़े हमने फिलहाल तो यही धीरे 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 आपका आरक्षण उठा जाएगा। जब आरक्षण ही नहीं रहेगा तो फिर आपके साथ कोई नहीं, आपके साथ कोई मामला नहीं रहेंगे। इसलिए आपको इसी बात के साथ हमारा बात खत्म करना चाहेंगे कि इस मामले में पिछड़े दलित अकलियत सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा, सबको इन इशूज को समझ के चलना पड़ेगा ताकि हम बाबा साहेब के देश में कायम रह सकें और देश हमारा आगे बढ़े। यही बातें बाद शुक्रिया।